सो ओनली कार्नाडेट से पुशिंग करते करते मैं इधर थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया था। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि क्यों ना कार्नाडेट के साथ साथ कोई एक और वेपन से भी वो इंडिया के लिए टॉप वन टाइटल पुशिंग किया जाए। फिर मैं इधर लगातार एक से दो दिन सोचते रहा एंड सोचते सोचते इधर मेरे को आइडिया आ जाता है एंड फिर से मैं गेम पे आ जाता हूँ। एंड गेम पे आने के बाद फिर से मैं वेपन ग्लोरी में चला जाता हूँ। एंड वेपन ग्लोरी में जाने के बाद इधर मैं लगातार एक से दो घंटा ढूंढने के बाद फाइनली इधर मैं ढूंढ के निकाल लेता हूँ जो कि हमारा होने वाला है मैक्स 7 जो कि अभी के टाइम पे वेल्डिंग मशीन पे अवेलेबल है। तो देखते हैं इस सीजन हम लोग दोनों गन को मेंटेन करके कितना आगे तक ग्लोरी को पुशिंग कर पाते हैं। देखते हैं इस सीजन हम लोग इंडिया के अंदर जा भी पाते या नहीं। तो मैक्स 7 से अभी के टाइम पे इंडिया के टॉप 100 तक जाने के लिए लगभग 17,000 ग्लोरी चाहिए। तो देखते हैं इस सीजन हम लोग कंप्लीट कर भी पाते या नहीं, मैक्स 7 से इंडिया के अंदर जा भी पाते या नहीं एंड कार्नाडेट से भी पुशिंग करने वाला है। पिछले एपिसोड में हम लोग हमारे स्टेट के अंदर कार्नाडेट से 41 नंबर पे आ चुके थे। देखते हैं आज हम लोग कितना आगे तक पुशिंग कर पाते हैं। तो बाकी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड पुशिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अपने साथ। ओके यहाँ पर हमारा दिन का पहला मैच लग जाता है एंड सामने एक बंदा होता है जो कि घर के ऊपर ही है। तो देखते हैं इसको जूम करके हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं। बाकी अभी तक मेरा एक भी किल नहीं हुआ है। अबे भाई ये तो इधर उधर चल रहा है। तो अभी देखते हैं एक जगह पे ही है अभी के टाइम पे। तो देखते इसको मार भी पाते या नहीं। फाइनली हेडशॉट लग गया। तो अभी देखते सोनिया हो गया शायद इसके पास रिमिट वगैरह है नहीं एंड खत्म भी हो जाता है। इधर मेरा पहला किल निकल जाता है जो कि कार्नाडेट से कर लिया था। उस बंदे को मारने के बाद एकदम लास्ट जोन में आ जाता हूं एंड अभी सिर्फ लास्ट का दो ही बंदा बचा है। तो अभी देखते क्या होता है। बंदा तो ग्लोअल मेरा फोड़ रहा है तो इधर एक ग्लोअल मार लेते हैं। शायद इसके पास वो क्या पता नहीं कौन सा गन है तो ग्लोअल पे ग्लोअल फोड़ रहा है। तो अभी ये वाला ग्लोअल भी मेरा फोड़ दिया है। तो अभी इधर से मारने की कोशिश कर 97 का डैमेज भी आया है। बंदा नीचे कूद गया। तो अभी थर्ड पार्टी करने की फुल मौका है। तो देखते हैं उन दोनों को फाइट करने की वेट करेंगे एंड थोड़ी देर बाद इधर से वो बंदा भी आ रहा था तो मैं इधर से नेट करने के लिए लग जाता। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इधर से जोन भी आ रहा है एंड मेरे पास इधर इनहेलर भी था। तो सामने की तरफ अभी निकलते हैं उन दोनों का फाइट करने की वेट करेंगे एंड थोड़ी देर बाद सामने से बंदा आ रहा था लेकिन मैं इधर नेट करा लेकिन ये बंदा ग्लोअल लगा लेता है। तो इधर मैं जोन के अंदर रह के मेडिकेट मार रहा था लेकिन जोन काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका था एंड फिर से मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ। तो अभी देखते हैं अभी तक फाइट ही नहीं लग रहा है। मैं इधर फिर से इधर के साइड आ गया एंड इधर मेरे पास लैंडमैन था एंड फाइनली इन दोनों का फाइट शुरू हो चुका है एंड एक बंदा एलिमिनेट भी हो चुका है। तो सबसे पहले इधर मैं पैक करके मेडिकेट मारने के लिए लग जाता हूँ एंड एक मेडिकेट मारते मारते वो बंदा एलिमिनेट हो जाता है एंड इधर हमारा दिन का पहला मैच भुया हो जाता है वो भी एक किल के साथ। एंड इस मैच में मेरे को कार्नाडेट कितना ग्लोरी दिया इधर देख ही सकते हो जो कि 72 का ही ग्लोरी दे दिया था। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो आगे की तरफ एक बंदा आया था। इसका लैम्बोर्गिनी तोड़ देते हैं। फाइनली इसका लैम्बोर्गिनी फूट गया। तो अभी सामने के साइड ही एक बंदा है। इसको मैं जूम करके मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन बंदा आगे के साइड निकल जाता है एंड उन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है। तो देखते हैं इधर से थर्ड पार्टी करते हैं। 112 का तो डैमेज आया। फिर से डैमेज लगा लेकिन बंदा तुरंत ग्लोअल लगा लेते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। उन दोनों का फाइट तो शुरू हो चुका है एंड एक बंदा भी मर भी जाता है एंड आखिरी का एक ही बंदा बचा होता है। डैमेज तो आया। अभी के टाइम पे उसके पास जून भी नहीं है। बाहर निकला 63 का डैमेज लगा एंड खत्म हो जाता है एंड इधर मेरा पहला किल निकल जाता है एंड अभी सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचा है जो कि आगे की साइड ही है। 84 का डैमेज आया तो मैं इधर थोड़ा सा होल्ड करने वाला हूँ। तो अभी इधर से मारने की कोशिश करेंगे। बाकी बंदा तो पेड़ की कवर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अभी देखते इधर से जोन भी आ रहा है तो आगे की तरफ भी मेरे को निकलना पड़ेगा एंड ग्लोअल मार के मैं थोड़ा सा आगे की तरफ निकल आया तो इधर जोन भी रुक जाता है लेकिन सामने वाला बंदा तो बाहर ही नहीं निकल रहा है एंड फिर से मैं बाहर आ जाता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। शायद बंदा बाहर निकला है तो डैमेज देते हैं। 140 का डैमेज आया तो फुल डैमेज हो गया एंड मैं तुरंत रश करने की सोचता हूँ। तो इधर तो मेरे पास काफ़ी सारा ग्लोअल है तो इधर मेरे पास एक नेट भी है तो नेट कुक करते हैं। बंदा तो पेड़ के कवर में भी है तो अभी एक नेट करते हैं। बंदा आगे की तरफ निकलता है। 92 का डैमेज भी आता है नेट का तो मैं तुरंत रश कर देता हूँ एंड पता नहीं बंदा किधर ग्लोअल मार लिया था एंड फाइनली इस बंदे को आराम से मार के ये वाला मैच भी हम लोग गुया कर लेते जो कि कार्नाडेट से 2 किल किया था। मैक्स में से अभी तक एक भी किल नहीं हुआ था। तो अभी देखते इस मैच को मेरे को कार्नाडेट से कितना ग्लोरी दिया तो देख ही सकते हो 75 का ग्लोरी दे दिया था। तो अभी आप लोग इस मैच में देखो तो हम लोग पीक में उतर गए थे एंड मेरे साथ ही एक बंदा उतरा था तो मेरे पास इधर मिनी यूजी भी था। तो अभी देखते हैं मिनी यूजी से इसको काफ़ी इजी तरीके से मार दिया हूँ हेडशॉट के साथ। तो अभी देखते हैं आगे की तरफ और बंदा है तो इधर मेरे पास बीजोन भी मिल जाता है। तो अभी देखते हैं मैक्स 7 को भी परचेस करना पड़ेगा एंड थोड़ी देर बाद मैं घर के अंदर आ जाता हूँ एंड घर के अंदर आने के बाद एक बंदा दिख जाता है कि इसको मैं बीजोन से काफ़ी आराम से मार देता हूँ। मारने के बाद इसको लूट बॉक्स से मेरे को मैक्स 7 मिल जाता है तो मैक्स 7 को भी मैं इधर उठा लेता हूँ। तो अभी भी ऑटो रिवाइवल पॉइंट चालू था तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैक्स 7 से एक और किल किया जाए। तो इधर मैं देखने लगता हूँ बंदा है कि नहीं। तो इधर तो अभी तक बंदा नहीं आया। मैं मैप पे देख गया था पीछे के साइड बंदा है तो मैं ऊपर फिर से देखने लगता हूँ रिवाइव होकर कोई बंदा आया था कि नहीं एंड थोड़ी देर बाद सामने की तरफ आने के बाद ही सामने एक बंदा दिखता है जो कि इधर थर्ड पार्टी हो रहा है। तो मैं इधर थर्ड पार्टी करके एक बंदे को मार देता हूँ बैठ के काफ़ी आराम से M60 से हेडशॉट मार के इसको मार देता हूँ। घर के अंदर भी एक बंदा है तो घर के अंदर चलते हैं देखते हैं मैक्स 7 से किल मिल पाता है कि नहीं।
एंड घर के अंदर आने के बाद ही सामने बंदा दिखता है, लेकिन इधर मेरा फिर से नेटवर्क चला जाता है। पता नहीं ये एयरटेल सिम का क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, नेटवर्क कभी कभी पकड़ता है तो कभी कभी पकड़ता ही नहीं है। और फिर से मैं जैसे तैसे करके इससे बच के बाहर निकल आता हूँ, एंड बाहर निकल कर आने के बाद इधर मैं एक ग्लोल मार लेता हूँ, एंड सामने की तरफ एक और बंदा दिखता है। ओके इधर काफ़ी सारा बंदा आ गया है, एंड इधर मैं एक को डैमेज दिया, लेकिन इधर मेरे पास मैक्सिमम का उतना ज़्यादा गोली भी नहीं था, एंड बंदा मेरे ऊपर तुरंत रश कर रहा था। तो मैं फिर से इधर से घूम के आके सामने के ओके सामने ही बंदा, लेकिन इधर मेरे पास मैक्सिमम का दो ही गोली था, एंड इधर मैं M60 के मारने के लिए लगता हूँ, लेकिन इधर मैं देखा फिर मर के देखा फिर ऑटो रिवाइवल इधर खत्म हो गया था, एंड इस मैच में तो मुए मुए हो गया था। एंड अभी आप लोग इस मैच में देखोगे तो मैं सामने की तरफ एक बंदे को मार देता हूँ, एंड बाइक लेके आगे की तरफ निकल जाता हूँ क्योंकि इधर से जोन भी आ रहा था। एंड आगे की तरफ आने के बाद मैं छत के ऊपर उठ जाता हूँ, एंड सामने एक बंदा दिखता है, पता नहीं ये ऑफलाइन है शायद से। ओके इधर से मेरे को कार 900 से 2 किल भी मिल जाता है, एंड आगे की तरफ एक बंदा है तो अभी देखते क्या होता है। पीक नहीं दे रहा है, एंड थोड़ी देर बाद सामने की तरफ एक बंदा होता है तो डैमेज तो नहीं आ रहा है, रेड रेड हो रहा है लेकिन डैमेज ही नहीं आ रहा है। तो अभी देखते इसको मारने की कोशिश करते हैं। ओके ओके डैमेज आया, फिर से आया, फाइनली ये खत्म हो गया। एंड अभी सिर्फ आखिरी का एक ही बंदा बचा है जो कि नीचे के साइड ही है, तो अभी देखते इधर से ही देखते मारने की कोशिश करते, बाकी नीचे के साइड जाएंगे तो अभी मारे जाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी शॉर्ट रेंज का कोई गन नहीं तो है। अभी के टाइम पे तो हीलिंग बैटल होने वाला है, तो मेरे पास इधर सुपर मेडिकेट एक था, तो एक सुपर मेडिकेट मार रहा था, लेकिन बंदा इधर ओरियन हो जाता है, एंड बंदा ये मैच काफी आराम से भुया ले लेता है। एंड इस मैच में मेरे को कार 900 से 100 ग्लोरी तो दे देता है, लेकिन मैक्सिमम का कोई भी ग्लोरी नहीं देता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो आगे की तरफ काफी ज्यादा फाइट हो रहा था, जिससे मैं फायदा उठा के 2 किल निकाल लेता हूँ। एंड आगे तरफ एक और बंदा होता है, एक और नहीं दो दो बंदा है नीचे के साइड, एक और बंदा आया। ओके डैमेज, लेकिन बंदा ग्लोअल के कवर में चला जाता है, थोड़ी देर बाद बंदा फिर से बाहर निकलता है, ओके डाउन हो जाता है, इसको क्लियर कर लेता है। ओके क्लियर भी हो जाता है, एंड इसके साथ साथ 3 किल भी हो जाता है कार 900 से। अभी सिर्फ आखिरी का एक ही बंदा बचा है, तो देखते हैं इस मैच को विन कर भी पाते या नहीं। एंड थोड़ी देर बाद इधर मैं आगे एक स्कैनर छोड़ देता हूँ, स्कैनर छोड़ने के बाद इधर मैं देखता हूँ बंदे तो मेरे घर के नीचे ही है, तो इधर मैं ऊपर की तरफ देख रहा था कि बंदा है कि नहीं, तो बंदा तो मेरे घर के नीचे है, तो अभी देखते हैं बंदा बाहर निकलता है कि नहीं। ओके बंदा बाहर आया, बंदा तो काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है। ओके फिर से डैमेज आ रहा है, भाई ये मरता क्यों नहीं है। एंड फाइनली जैसे तैसे करके इसको मार देता हूँ, एंड इस मैच में मेरे को कार 900 से किल मिला, मैक्सिमम से किल ही नहीं मिला। तो चल के अभी देखते हैं हम लोगों को कितना ग्लोरी दिया है, तो देख ही सकते हो कार 900 से 100 ग्लोरी दे दिया था। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो हम लोग ब्लू जोन में उतर गए थे, एंड मैक्सिमम से इधर एक बंदे को मार देता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। उतने में पीछे से भाई साहब काफी ज्यादा डैमेज दे देता है इधर मेरे को। तो सबसे पहले इधर मैं चल के एक सुपर मेडिकेट मार लेता हूँ, तो इधर देख ही सकते हो ऑटो रिवाइवल पॉइंट इधर रेड रेड हो चुका है, तो मेरे को इधर से निकलना पड़ेगा। तो आगे चल के गाड़ी से निकलते हैं, ओके बाइक है तो बाइक से निकल जाते हैं इधर से, क्योंकि अगर इधर मैं मर गया तो ये मैच तो अभी के टाइम पे चला जाएगा। एंड थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी लेके आके सामने के साइड आ जाता हूँ, लेकिन पता नहीं ग्लोल मार के क्या कर रहा था, एंड इसको मैं काफी आराम से मार देता हूँ। एंड इसके साथ साथ मैक्सिमम से इधर मेरे को 2 किल भी मिल जाता है, तो अभी के टाइम पे कार 900 मेरे को अभी तक नहीं मिला है, तो कार 900 को भी ढूंढना पड़ेगा। एंड आगे चल के मैं आर्सेनल खोल लिया था, एंड आर्सेनल के अंदर से मेरे को कार 900 मिल जाता है, तो कार 900 को उठा के मैं एक 3 चिप का कर लेता हूँ कार 900 को। तो अभी चल के देखते हैं कार 900 से किल मिल भी पाता है नहीं। एंड थोड़ी बाद मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, घर के अंदर आने के बाद एक लड़की आ जाता है जिसको मैं मैक्सिमम से काफ़ी आराम से मार देता हूँ, एंड अभी सिर्फ लास्ट का 5 ही बंदा बचा है, तो अभी देखते क्या होता है। एंड थोड़ी देर बाद मैं इधर के साइड आ जाता हूँ, एक स्कैनर भी छोड़ देता हूँ। स्कैनर छोड़ने के बाद ही सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं जूम करने की मारने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा एकदम से मेरे को ग्रोजर से मार देता है। इसमें से मेरे को स्क्रीनशॉट मारना याद ही नहीं था, तो इसी के तरह हम लोग पुशिंग करते करते हम लोग इंडिया के अंदर इधर फिर भी top 3% दिखा रहा है। लगभग अभी मेरे को इंडिया के अंदर top 100 तक जाने के लिए लगभग 3000 ग्लोरी की जरूरत है, तो देखते हैं अगले एपिसोड में। तो अगर आप लोग इस इधर देखोगे तो मैक्सिमम का ग्लोरी है मेरे पास सिर्फ 6 ही हुआ था, लेकिन मैक्सिमम का ग्लोरी नहीं मिल रहा था, किल भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए ग्लोरी भी नहीं जैसे हो गया था। लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम से, बाकी इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इस वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर जो कोई भी पहली बार आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।